हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम इस ब्यूटीफुल सी ट्यूलिप सलवार की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। इस सलवार का लुक समर कुर्ती के साथ या फिर शॉर्ट फ्रॉक के साथ बहुत अच्छा लगता है। वीडियो के लास्ट में मैंने इसको पहन के दिखाया है, तो आप इसको उस तरीके से स्टाइल कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो आप इसकी कटिंग ध्यान से देखिएगा, इसकी स्टिचिंग बहुत आसान है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस सलवार के लिए मैंने मसलिन कॉटन यूज़ किया है। कपड़ा मैंने यहाँ पर 2.25 मीटर लिया है। कपड़े में से सबसे पहले हम जितनी इसकी चौड़ाई रहेगी उतनी ही लंबाई के हम 2 पीस कट कर लेंगे। इसके बाद कपड़े को हम फैला के रखेंगे और इसके एक एंड से उठा के इसको हम ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लेंगे। तो चलिए मैं पेपर पर बताती हूँ कि हमने कपड़े को फोल्ड कैसे लगाना है। नॉर्मली जो कपड़े का पन्ना रहता है, यानी कि जो इसकी विड्थ रहती है, वो 44 इंच की रहती है। जितनी कपड़े की चौड़ाई रहेगी उसी लंबाई का हम इस तरीके से पीस कट कर लेंगे। अब इसके बाद इसको फोल्ड लगाने के लिए कपड़े का एक कोना हम उठाएंगे और डायगनली इसको फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर तिकोनी शेप आ जाएगी, इसी पे हमारी कटिंग होगी। कपड़े के जो 2 पीस हमने कट किए थे उनको भी मैंने तिकोनी शेप में इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। अब इसके बाद देखिए, जो ओपन वाली साइड है इसको मैंने इस तरफ रखा है और बंद वाली साइड को अपनी तरफ रखा है। आप ही कपड़े को पहले इस तरीके से सेट कर लें, उसके बाद ही कटिंग शुरू करें। अब इसके बाद देखिए, नीचे की तरफ हम पोंचे का निशान लगाएंगे। तो पोंचे का निशान मैंने यहाँ पर 4 इंच पर लगाया है। अगर आप पोंचा बिल्कुल टाइट पहनना चाहते हैं तो आप नीचे से यहाँ पर 3 इंच की गोलाई दें। अब इसके बाद जितनी आप बेल्ट डालना चाहते हैं उतना इंच टेप आप ऊपर की तरफ निकाल दें और लंबाई का निशान लगाएं। तो मैंने यहाँ पर 4 इंच की बेल्ट डाल ली है, तो 4 इंच का इंच टेप हम इस निशान से ऊपर की तरफ निकाल देंगे और अपनी लेंथ को मार्क करेंगे। मेरे मेजरमेंट में लेंथ है 37 इंच की, तो यहाँ पर इस तरीके से रखते हुए मैंने पूरी गोलाई में निशान लगा लिया है। जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ कि हमने मार्किंग किस तरीके से करनी है। कोने से मैंने 4 इंच पर पोंचे की गोलाई का निशान लगाया है इस तरीके से। इसके बाद जितनी आप बेल्ट डालना चाहते हैं उतना इंच टेप हम ऊपर की तरफ निकाल देंगे। चाहे तो आप यहाँ पर 4 इंच की बेल्ट डालें, चाहे तो 5 इंच की। मैंने इस सलवार में 4 इंच की बेल्ट डाली है, तो यहाँ पर इंच टेप को हम इस तरीके से रखेंगे ऊपर की तरफ इस निशान से और अपनी तैयार लंबाई का निशान लगाएंगे। यहाँ पोंचे में मैंने लेस अटैच की है, इसीलिए यहाँ पर मैंने स्टिचिंग मार्जिन नहीं रखा है। अब इंच टेप को कोने में रखते हुए पूरी गोलाई में हम निशान लगा लेंगे लंबाई का। इन्हीं निशानों पे अब हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर भी जो अनइवन फैब्रिक रहता है उसको कट करके हम सीधा कर लेंगे। कटिंग के बाद देखिए, यहाँ पर लंबाई 33 इंच की है। अब ऊपर की तरफ 4 इंच की बेल्ट आएगी और सलवार की तैयार लंबाई हो जाएगी 37 इंच की। अब कपड़े को उठा के यहाँ पे हम हल्की सी नोच लगा लेंगे सेंटर मार्क करने के लिए। अब इसके बाद जो ऊपर की तरफ कपड़ा है ये ओरेब में है, इससे हम 1.5 से 2 इंच चौड़ी पट्टियाँ कट कर लेंगे सलवार में पलटा लगाने के लिए। अब बचे हुए कपड़े से हम बेल्ट कट कर लेंगे। तो बेल्ट की हाइट यहाँ पर डिपेंड करेगी कि आप कितनी चौड़ी इलास्टिक यूज़ करना चाहते हो। देखिए, यहाँ पर 1/2 इंच कपड़ा तो चला जाएगा सिलाई में। उसके बाद यहाँ पर मैंने 4 इंच पर निशान लगाया है। आप जितनी भी चौड़ी इलास्टिक यूज़ करना चाहते हो उसको इस तरीके से 4 इंच के निशान पर रखेंगे और उसके बाद जो ऊपर की तरफ कपड़ा रहेगा वो आएगा इस तरीके से फोल्डिंग में। बेल्ट के लिए मैंने यहाँ पर 8 इंच की हाइट का और 24 इंच की विड्थ का कपड़ा इस तरीके से कट कर लिया है। अब इसके बाद हम सलवार की स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग में सबसे पहले जो हमने ओरेब पट्टियाँ कट की थी उनको जॉइंट लगा के एक लंबी पट्टी तैयार करेंगे। दोनों पट्टियों की सीधी साइड को हम अंदर की तरफ रखते हुए ऊपर से डायगनली स्टिच लगाएंगे। स्टिच लगाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर लेंगे और इसी तरीके से बाकी की पट्टियों को भी हम स्टिच कर लेंगे। स्टिच लगाने के बाद जॉइंट को इस तरीके से खोलेंगे और ऊपर से प्रेस कर लेंगे। ओरेब पट्टी को यहाँ पर दोनों साइड से हम फोल्ड कर लेंगे, इससे इसको लगाने में आसानी रहेगी। कपड़े की जो राइट साइड रहेगी उसके ऊपर हम लेस की जो राइट साइड है उसको इस तरीके से रखेंगे और ऊपर से पट्टी को इस तरीके से रखते हुए एक पैर के मार्जिन से पूरे में स्टिच लगा लेंगे। सलवार में जो मैंने लंबाई का निशान लगाया था वहाँ से मैंने इस लेस को स्टिच करना शुरू किया है। ये वीडियो मैंने स्पेशली बिगिनर्स के लिए बनाई है, इसीलिए यहाँ पूरी गोलाई में मैंने लेस को अटैच कर लिया है ताकि उन्हें कन्फ्यूज़न ना हो। कई बार होता क्या है कि जब हम आधे तक लेस अटैच करते हैं तो जो बिगिनर्स हैं उनसे गलती से एक ही तरफ के दोनों पल्ले तैयार हो जाएंगे। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए यहाँ पूरी गोलाई में मैंने लेस अटैच कर दी है।
इससे आपकी आधे से एक मीटर लेस तो एक्स्ट्रा लगेगी, लेकिन स्टिचिंग में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। तो देखिए, यहाँ पर एक पल्ले के साथ मैंने लेस अटैच कर दी है। अब अंदर की तरफ जो इसका पलटा रहेगा वहाँ पे मैंने तुरपाई कर दी है। तुरपाई से इसकी फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आती है। आप चाहें तो यहाँ पर सिलाई भी लगा सकते हैं। इस सलवार की प्रॉपर फिनिशिंग और ये पट्टियाँ यूज़ करने से ही आती है। सेम इसी तरीके से मैंने दूसरा पल्ला भी तैयार कर लिया है। अगर आप लेस थोड़ी कम यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर से 17 से 18 इंच छोड़ने के बाद आप लेस अटैच करना शुरू करें, क्योंकि ये पार्ट हमारा दिखाई नहीं देगा। सलवार की कटिंग के टाइम पे जो सेंटर में हमने कट लगाया था वहाँ से पकड़ के हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। सलवार के दोनों पल्लों को यहाँ पर मैंने फोल्ड कर रख लिया है। इसके बाद लेस वाली साइड से हम 4 से 5 इंच तक यहाँ मार्क कर लेंगे। मैंने ये मार्क यहाँ पर 5 इंच पर लगाया है। इसके बाद इन्हीं निशानों पे हम सलवार को ट्यूलिप की शेप में सेट कर लेंगे। इसके बाद जो दोनों 5 इंच पर निशान लगाए थे उनको इस तरीके से हम सेंटर में सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद ऊपर की तरफ यहाँ पर मैंने पिंस लगा दी हैं। अब इसके बाद जो अंदर की तरफ कपड़ा रहेगा उस पर हमारी सिलाई आएगी, तो वहाँ पर भी हम पिंस लगा देंगे। नीचे से आप जितना भी पोंचा खुला रखना चाहते हो यहाँ पर मार्क कर लें। इसके बाद दोनों पल्लों का फोल्ड हम बड़े ध्यान से लगाएंगे। सलवार का एक पल्ला इस तरफ आया है तो दूसरा पल्ला इसके अपोजिट आएगा, यानी कि दोनों फोल्ड एक दूसरे को फेस करेंगे। जो 5 इंच के मार्क हमने लगाए हैं उनको इस तरीके से हम सेंटर में सेट करेंगे और इस पार्ट को भी हम ट्यूलिप की शेप में सेट कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर इस तरीके से दोनों पल्ले एक दूसरे को फेस करेंगे। इसके बाद अंदर की तरफ जो कपड़ा रहेगा उसको मैंने यहाँ पिन से सेट कर लिया है ताकि सिलाई लगाने में आसानी रहे। नीचे वाले पल्ले की लेस जहाँ पर टच करेगी वहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे और ऊपर तक सिलाई लगा लेंगे। अब इसके बाद सलवार के आसन की कटिंग करेंगे। उसके लिए इस पल्ले को उठा के सिंपली हम इसके ऊपर रखेंगे और इसको सेट कर लेंगे। आसन की लंबाई का निशान यहाँ पर मैंने 11 इंच पर लगाया है। इसके बाद 1.25 से 1.5 इंच तक की हम अंदर की तरफ गोलाई डाल देंगे। इसी निशान पर हम आसन की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर आसन की कटिंग मैंने कर दी है। अब इसके बाद यहाँ पर इस तरीके से कपड़े को पकड़ते हुए हम सिलाई लगा के आसन को ज्वाइन कर लेंगे। आसन की सिलाई लगाने के बाद सलवार को हम फैला कर रखेंगे। इसके बाद सलवार में प्लेटें डालने के लिए हम साइड पर मार्क कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर इस तरीके से इसके दोनों तरफ मार्क करने के बाद बीच में प्लेटें आएंगी। इस सलवार में फ्रंट और बैक साइड दोनों तरफ प्लेट्स आती हैं। प्लेटें डालते हुए हम इसको बेल्ट के साथ अटैच कर लेंगे। दोनों साइड से प्लेटों का रुख हम आसन की तरफ रखेंगे। इस सलवार में प्लेट्स डालना काफ़ी आसान है क्योंकि इसमें मैक्सिमम 5 से 6 प्लेटें ही आती हैं। इसके बाद बेल्ट के 1/2 इंच मार्जिन को मैंने प्रेस से फोल्ड कर लिया है। इसके अंदर की तरफ इलास्टिक को इस तरीके से रखते हुए हम स्टिच लगा लेंगे। जितना भी आपका कमर का नाप है उसमें से 3 इंच माइनस करके हम इलास्टिक पर मार्क कर लेंगे। मेरे मेजरमेंट में कमर का नाप है 30 इंच, तो यहाँ पर मैंने 27 इंच पर मार्क कर लिया है। इलास्टिक को अंदर की तरफ रखते हुए हम स्टिच लगा लेंगे। इसी के साथ हमारे ट्यूलिप शलवार की कटिंग और स्टिचिंग कम्प्लीट हो चुकी है। अगर आप फिनिशिंग के साथ इलास्टिक इंसर्ट करना सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। यहाँ नीचे से पोंचे को हमने 6.5 इंच तक खुला रखा है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। ऐसे ही फिनिशिंग के साथ कटिंग और स्टिचिंग की वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।